हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अमेजन बेसिक मिक्सर ग्राइंडर वर्सेस बटरफ्लाई हीरो मिक्सर ग्राइंडर। तो कंपैरिजन में हम देखेंगे जैसे कि किसके अंदर जल्दी ग्राइंड होता है, किसके अंदर मोटा रह जाता है। जैसे कि अमेजन बेसिक वाला 750 वोट का देखने को मिलेगा, बटरफ्लाई 500 वोट का देखने को मिलेगा। तो इस वोट में फर्क भी होता है भी कि नहीं, और इसके साथ में आपको जूसर का मिला है सेपरेट, जो कि थोड़ा सा प्राइस ज्यादा भी है, पर वो जूसर वाला यूजफुल है भी कि नहीं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूंगा, जैसे कि इसकी बॉडी वगैरह कुछ हीट तो नहीं होती, किसकी डिजाइन कॉम्पैक्ट है, कौन सा वाला बेहतरीन है, किसका ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप भी सोचोगे अच्छा सा ग्राइंडर मिक्सर परचेस करने के लिए, आपका बजट अराउंड 1500 रुपीस से लेके 2500 रुपीस के बीच में, तो ये बटरफ्लाई हीरो वाला मैंने परचेस किया था 1599 का। इसके डिफरेंट डिफरेंट सेलर है अमेजोन पे, कोई 1700-1800 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर है उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वही अमेजोन बेसिक वाला मैंने परचेस किया था 2699 का, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है, कोई 2800-2900 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो सबसे पहले बड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा वारंटी के अंदर। तो वारंटी के अंदर अमेजन बेसिक का मोटर हो गया, कंप्लीट प्रोडक्ट हो गया, आपको 1 ईयर की देखने को मिल जाती है। वही बटरफ्लाई हीरो वाले के अंदर आपको मोटर पे 2 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, और कंप्लीट प्रोडक्ट पे आपको जो कि 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, मतलब बॉडी हो गया, जार हो गया, सबके अंदर 1 ईयर की वारंटी है, और जो कि मोटर पे आपको 2 ईयर की वारंटी देखने को मिलेगी। सो ये वारंटी का आपको डिफरेंट सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। आप डिजाइन लुक की बात करें तो बटरफ्लाई वाला थोड़ा सा डिजाइन में ज्यादा प्रीमियम है, और इसके जो भी नंबर वगैरह दिए गए वो एकदम प्रॉपरली विजिबल है, जो कि ऑपोजिट कलर को यूज किया गया, इधर 1, 2, 3 और वाइट मोड का बटरफ्लाई हीरो, और इधर आप इसलिए अमेजन बेसिक का आपको थोड़ा सा लंबा डिजाइन देखने को मिल जाएगा। इधर अमेजन बेसिक है, इधर इसके नंबर है जो कि ऑपोजिट कलर यूज किया गया, पर इतने विजिबल नहीं, पर फिर भी आपको अंदाजा हो जाएगा। इधर 0, 1, 2, 3 दिया गया, और इधर बैक साइड में जो कि वाइट मोड का दिया गया है। अब वायर क्वालिटी की बात करें तो अमेजन बेसिक वाले के अंदर आपको 3 पिन वाला वायर देखने को मिल जाएगा, ये वाला, और वही बटरफ्लाई वाले के अंदर 2 पिन का वायर दिया गया। वायर की क्वालिटी जो कि अमेजन बेसिक का थोड़ा सा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू बटरफ्लाई वाले से, बटरफ्लाई वाले का भी 2 पिन के हिसाब से काफी अच्छा खासा वायर इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जार की, तो जार का क्वालिटी जो कि है ना आपको ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम है, 100% स्टेनलेस स्टील जार दिया गया है। और क्वांटिटी की बात करें किसके अंदर ज्यादा आएगा, तो जैसे कि देख सकते हो, तो ये लास्ट साइज है बटरफ्लाई वाले का, ये मीडियम साइज है, वही अमेजन बेसिक वाले का ये मीडियम साइज है और ये वाला लास्ट साइज है। तो क्वांटिटी जो कि लार्ज वाला और लार्ज वाला आप देख सकते हो, जो कि अमेजन बेसिक वाले के अंदर ज्यादा स्पेस आएगा, ज्यादा मात्रा में जो भी आप ग्राइंड कर रहे हो वो आएगा। और इधर मीडियम साइज का भी कंपेयर करें तो जो कि अमेजन बेसिक वाला मीडियम साइज थोड़ा सा बड़ा है। लीड की बात करें, इसके ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है, अंदर विजिबल रहेगा, कुछ भी ग्राइंड कर रहे हो कितना नहीं हुआ रहेगा, तो आप डायरेक्ट आपको लीड ओपन, जो कि कैप ओपन करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप देख के ही मशीन को स्टार्ट कर दोगे। वही आप मीडियम वाले साइज की बात करें अमेजन बेसिक का, तो इसमें ट्रांसपेरेंट जो कि लीड नहीं दिया गया, तो आपको पूरा ओपन करके देखना पड़ेगा। और इधर लार्ज वाले का पूरा ट्रांसपेरेंट लीड देखने को मिल जाता है, लीड तीनों के अंदर प्योर प्लास्टिक मटेरियल से यूज किया गया, प्लास्टिक मटेरियल बहुत प्रीमियम और अच्छा तीनों के अंदर यूज किया गया। इस तरह की ब्लेड देखने को मिल जाती है अमेजन बेसिक के लार्ज वाले की, मीडियम वाले का कुछ इस टाइप का ब्लेड है, और वही हमारा बटरफ्लाई वाले का कुछ इस टाइप का लास्ट साइज का ब्लेड है, और यही हमारा इसके अंदर कुछ इस टाइप का लास्ट साइज ब्लेड है। तो इसके अंदर जो डबल ब्लेड है, इसके अंदर जो कि 4 ब्लेड देखने को मिलता है, पर जो शार्पनेस की बात करें ऑलमोस्ट चारों के अंदर सेम टू सेम है, डबल और सिंगल ब्लेड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो कि चारों के अंदर शार्पनेस टोटली सेम टू सेम है, मैंने यूज किया गया है। और इधर जूस की बात करें तो जूसर कुछ इस टाइप का 1.5 लीटर की कैपेसिटी, तो इसके अंदर आराम से आप गन्ने को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीजों का जूस निकाल सकते हो। पर इसके अंदर एक चीज डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो ये स्पेस दिया गया ये काफी ज्यादा छोटा दिया गया, ये थोड़ा सा मोटा दे तो अच्छा रहता है, जैसे कि बड़े साइज के मौसमी हो गया, मैंगो हो गया, कुछ भी आप डाल रहे हो, बड़े बड़े पीस डाल रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़े और भी ज्यादा छोटे छोटे पीस में कट करना पड़ेगा, तब फील करना पड़ेगा। ये तो हो गया, और एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर कुछ भी प्रेस करने का नहीं दिया, तो आपको है ना जैसे कि कुछ भी जूस बना रहे हो तो प्रेस करने के लिए आपको हाथ से प्रेस करना पड़ेगा, तो कुछ भी दूसरी चीज से भी आप प्रेस करो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसके अंदर जब भी प्रेस करो करते टाइम पे जो कि ना नीचे वो मोल्ड जो इसके ब्लेड से उसको टच ना हो जाए, और जूस निकालते टाइम पे आपको वाइप मोड को यूज करना है, कोई भी आपको जो कि फर्स्ट या सेकंड जो कि यूज नहीं करना, जो ये वाइप वाला है मतलब विद इन सेकंड के लिए जिस तरह गाड़ी को रेस देते ना उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, तो जितना आप दोगे उतना चलेगा, तो आपको इसके अंदर फील करना, थोड़ा सा प्रेस करना, फिर थोड़ा सा ऐसे टर्न करना, तो मोटर घूमेगा फट करके जूस बगल में निकलेगा। तो इस तरह आप जूसर को यूज कर सकते हो। और इधर 1.5 लीटर की कैपेसिटी इसके अंदर दी गई है, 100% आपको प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक बहुत ही प्रीमियम और अच्छी यूज की गई। सो ये तो हमारा जार हो गया। और अभी स्मॉल साइज की जार की बात करें तो कुछ इस टाइप का आपको स्मॉल साइज का देखने को मिलेगा। अब क्वांटिटी और स्पेस की बात करें तो वही अमेजन बेसिक वाले के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है, और जो कि बटरफ्लाई वाले का थोड़ा सा स्मॉल साइज जार देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि मैंने इसके अंदर ग्राइंड किया है दाल को, तो दाल की क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने 10-10 सेकंड दोनों को ग्राइंड किया। इधर आपको जो अमेजन बेसिक वाला है इसके अंदर आपको जैसे मतलब 5% तक का आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, अमेजन बेसिक वाला 5% थोड़ा सा ज्यादा ग्राइंड कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल मोटर है, स्पीड भी काफी अच्छी खास इसके अंदर देखने को मिल जाती है, 750 वोट का मोटर दिया गया है, और वही बटरफ्लाई वाले के अंदर जो कि 500 वोट का मोटर दिया गया है, जैसे कि मतलब उस हिसाब से मोटर का कंपेरिजन करें तो 20% तक आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, पर ग्राइंड के हिसाब से देखा जाए तो आपको 5% तक का डिफरेंट है, जो कि बारीक की मात्रा की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इतना तो बहुत जन को तो पता भी नहीं चलेगा, ये मैंने एकदम ध्यान से देखा, इसके बाद में मुझे पता चला कि इसके अंदर थोड़े
थोड़े मतलब मोटे मोटे दाने हैं, कंपेयर टू इसके अंदर थोड़े से ज्यादा मोटे मोटे आपको दाने देखने को मिल जाते हैं। मैंने दाल को ग्राइंड किया जिसको बेसन बनाना था। सो ऑलमोस्ट दोनों को मैंने डिटेल में कंपेयर करके दिखा दिया। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन था कौन सा वाला परचेस करना चाहिए, आपको रियल में जूस वगैरह बनाना है, जूस वगैरह निकालना है, और जैसे कि आप हार्ड मटेरियल को जो कि ग्राइंड करना चाहते हो, चावल को, मक्के को, ऐसे कुछ चीजें ग्राइंड करना चाहते हो, वो बटरफ्लाई के थ्रू भी हो जाती है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि 750 वाट वाला ज्यादा बेहतरीन रहेगा, तो फिर आप अमेजोन बेसिक वाले की ओर जा सकते हो। और आपको ऐसे नॉर्मली ग्राइंड करने के लिए ही चाहिए, ज्यादा कुछ मतलब हार्ड मटेरियल भी ग्राइंड नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना मतलब ठीक नहीं रहेगा, तो आप फिर बटरफ्लाई वाले की ओर जा सकते हो। ये काफी अच्छा डिजाइन है लुक के, और इसके जो जार भी उसकी भी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, उसका डिजाइन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, पर डिजाइन मुझे बटरफ्लाई वाले के जार की ज्यादा बेहतरीन और अच्छी लगी, तब फिर आप बटरफ्लाई वाले की ओर जा सकते हो। और इसके अंदर 1 ईयर की वारंटी और कंप्लीट जो कि मोटर पर 2 ईयर की वारंटी दी गई, और कंप्लीट अमेजोन बेसिक वाले पे 1 ईयर की वारंटी प्रोडक्ट हो गया मोटर का सबका देखने को मिलती है। सो जैसे कि अमेजोन बेसिक वाला मैंने परचेस किया था 2699 का, इसके डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, जो बेस्ट सेलर है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं बटरफ्लाई वाला मैंने परचेस किया था 1599 का, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, जो बेस्ट सेलर है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। और ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, तो 6 महीने में हमारे इस टाइप के ग्राइंडर अपडेट होते रहते हैं, जो लेटेस्ट वाला रहेगा उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।